लेट्स मेक स्ट्रीट स्टाइल एग फ्राई। पहले मैंने बॉईल किए हुए अंडे लिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, अंडों को लेना है, बॉईल करना है और अच्छे से छील लेना है। उसके बाद हम इसको दो पीसेस में कट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक एक करके हम सारे काटते जाएंगे। एक एक करके मैंने सारे काट लिए हैं, अब इनको हम करेंगे साइड में। स्ट्रीट वाले हमेशा तवा या फ्राई पैन रखते हैं, तो मैंने फ्राई पैन रखा है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, घी या बटर कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें घी डाला है। इसको हम मेल्ट होने देंगे पहले। तो घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें काटे हुए हम बीच इस तरीके से बीच में से काटे थे तो अंडों को हम रख देंगे। योल की तरफ से रखना है हमें इस तरीके से। एक एक करके हम सारे अंडे इस तरीके से रख देंगे। अब इनको हम हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। इसको जब हम फ्राई करते हैं तो इस तरीके की फोम होने लगती है, सो डोंट यू वरी, ये योल्क की वजह से होती है। अब हम इसको अच्छे से फ्लिप कर लेंगे। इस तरीके से हो गया ये, अब इसको हम पलट लेंगे, एक एक करके सारे पलट लेंगे। अब इसको हम हल्का सा वाइट साइड से भी फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा ही करेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छी सी एक लेयर आ गई है, गोल्डन गोल्डन। अब हल्का सा हम इसको और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस एक आधी मिनट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों साइड, हम गैस को करेंगे बंद और इसको अब हम प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। एक एक करके मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम हल्के से कुछ मसाले डालेंगे। अब इसको हम सीज़न करेंगे, तो सबसे पहले तो सॉल्ट डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही। फिर उसके बाद डालना है हमें बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब इसमें डालना है हमें गरम मसाला, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे। अब डालना है हमें इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। ऊपर से डालेंगे इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज। इस तरीके से इसके ऊपर ही रखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, जितना आपको पसंद है। आप इसमें कोई और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, मैंने सिर्फ प्याज डाला है। इस तरीके से डाल देंगे ऊपर से। अगर आपको पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करें इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी डाली है मैंने। अब डालेंगे इसमें लास्ट में हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और बनके तैयार है हमारे मज़ेदार से स्ट्रीट स्टाइल एग फ्राई।